बट इस अर्टिगा का एक्सीडेंट देखने के बाद भाई मेरी आंखें खुल गई हैं। इंजन में भाई कितना ज्यादा इम्पैक्ट आया है, इंजन में इसकी नीचे आ चुकी है गाड़ी। ऐसे भयावक भयावक से एक्सीडेंट देख के कभी कभी आपको भी डर लगेगा। कहाँ चला गया? नहीं डैमेज तो नहीं था भाई, इनसे हो गया। इनसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल PS मोटोहब में। तो भाई आ गए हैं करीब एक हफ्ते के बाद मारुति के शोरूम में, और ये जो आप अर्टिगा देख रहे हो हमारी अर्टिगा नहीं है, बट इस अर्टिगा का एक्सीडेंट देखने के बाद भाई मेरी आंखें खुल गई हैं। बिकॉज भाई जो गाड़ी की बिल्ड है सच में बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत अच्छी तो नहीं मैं कह सकता हूँ, बिकॉज इंजन में भाई कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया है इस वाले एक्सीडेंट में जो आप देख सकते हो। पूरी की पूरी इंजन में इसकी नीचे आ चुकी है गाड़ी की। बट एक चीज़ मेरे को समझ में आई, गाड़ी के एयरबैग्स तो चलो खुलते ही खुलते हैं, जो आप देख सकते हो ये कर्टेन एयरबैग है और ये आपका स्टेयरिंग पे जो ड्राइवर साइड एयरबैग है। अंदर कुछ खास इतना डैमेज नहीं हुआ है, एसी वाली जो वेंट है वो एसी वाला जो कंट्रोल है वो आगे आ गया, बाकी पीछे का सब कुछ सेम है। लेकिन फ्रंट का डैमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेबल है मेरे हिसाब से। इस एक्सीडेंट का इन्फो तो मैंने अभी नहीं लिया है, अभी जस्ट मैं अभी अपनी बाइक से आया हूँ अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने कि भाई एक हफ्ते बाद अपने को क्या क्या हो चुका है, बिकॉज दो तीन काम थे शायद ही हो गए हूँ। और मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करके आता हूँ हमेशा, तो एज अ राइट ऑफ कस्टमर भाई मेरे को सारी चीज़ें देखनी है कि विंडशील्ड वगैरह चेंज हुआ है कि नहीं। तो चलते हैं बिना देरी के अंदर मारुति के शोरूम। और भाई ये वाली अर्टिगा सच में अपना वाला वेरियंट है, अपना ही वाला कलर है और 2021 मॉडल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया भाई साहब, मतलब नीचे का बम्पर वगैरह सब टूटा पड़ा है जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा इंजन नीचे आ गया और रेडिएटर का तो भाई सत्यानाश ही हो गया है। चलते हैं बॉस अंदर। ऐसे भयावक भयावक से एक्सीडेंट देख के कभी कभी आपको भी डर लगेगा। हाय राम, ये देखो वैगनार बीच में खंभे से जाके बढ़ गई होगी। शिट, भयावक से नज़ारे। चलते हैं भाई अंदर। एक देखो ये तो बलेनो पहले भी खड़ी थी अपने पास। चलो क्या क्या हो गया भैया? विंडशील्ड अभी हाँ पीछे वाली लाइट क्या बदल दी है? अरे भैया पांच हफ्ते भर से गाड़ी खड़ी है। पीछे वाली लाइट ठीक है, वो पास नहीं कर रहा था लेकिन इसमें सब टेपिंग करवाए थे। देखो हमने जानबूझ के कराई थी भाई, टेपिंग करा देने में ओल्ड डैमेजेस आ जाता है। देखो हमने तोड़ के कुछ पास। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। हमें लग रहा था वो हमने अपनी सेफ्टी के लिए करा रखी थी कि बल्ब वगैरह खराब हुए। आईआर भी हम कहाँ चला गया? एक लोग मतलब ऐसे ही हटा देते हैं। नहीं डैमेज तो नहीं था भाई, इनसे हो गया। इनसे हो गया वो बात अलग है। वो आप फास्टैग अपना। हाँ फास्टैग भाई जी हटा लूँ, बहुत ज़रूरी है ये। विंडशील्ड और सही किया, थोड़ी सी तोड़ दी तो कम से कम क्लेम लेने में। हाँ हम समझ गए, थोड़ा सा इंटेंशनली डैमेज जब तक नहीं करेंगे तब तक होगी नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ आप अपने अकॉर्डिंग करो, ज्यादा ही अच्छा है। अरे निकला मालिक, ये विंडशील्ड यहाँ से क्रैक और करेगी। चलो गाड़ी अपने को परसों हैंडओवर करी जाएगी। थोड़ा सा सर्वे का भी काम है। अरे सर्विस का? हाँ भैया वो तो दिखा लेते आप मेरे को। नहीं मैं जो है गाड़ी आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा। अरे सर्विस में कितना टाइम लग जाएगा आप ही बताओ? ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक सर्विस तो आपको इसी टाइम में। अरे तो एक डेढ़ घंटे में सर्विस भी हो जाएगी अपनी। चलो सर्विस हो जाएगी और टचअप वगैरह हो जाएगा गाड़ी में, सब स्क्रैचेस का। चलो चलो भाई छोड़ देते हैं अर्टिगा, फास्ट टैग ले लिया है, आओ बाहर चले जाए। अब बैंक दूसरा ले लिया जाएगा, ICICI नहीं रखेंगे। और विंडशील्ड चलो टूट गई से टूट गई। इतनी सारी भाई मारुति की कार्स यहाँ पे आती हैं, बहुत ही बड़ा वर्कशॉप है नो डाउट। फाइनल इंस्पेक्शन मतलब सारे काम हो जाते हैं यहाँ पे। ये लिफ्ट बना रखी है कार लिफ्टिंग के लिए और यहाँ पे होती है फाइनल पेंटिंग वर्कशॉप। सही में भाई बहुत ही बड़ी मेजर वर्कशॉप है। मुझे सर्विस काफ़ी ठीक लगी, बस ये भाई थोड़ा सा डिले हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं सच में। गाड़ी के पास से जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए।
अभी का कुछ अच्छे चलाया नहीं है, यहाँ तो खटपट हो रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। चलते हैं आराम से, थोड़ा ही का काम था आपको दिखाना था कि गाड़ी में क्या क्या हो चुका है। काम तो भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, अभी एक हफ्ते हो गए, मैं मंडे को गाड़ी ले गया था और आज संडे है भाई, एक हफ्ते में इन्होंने कुछ काम नहीं किया, बस ये फ़ोटो वगैरह खींच के थोड़ा बहुत रिपोर्ट वगैरह जो बनाते हैं वो कर लिए। मैंने ही बोला था ये वाला फास्टैग निकाल के मेरे को दे देना, जिससे मैं दूसरा इशू कराऊंगा। HDFC का आपकी बार फास्टैग लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू अपना ICICI। तो ये काम तो अपने को कराना है, बाकी देखो क्लेम सेटलमेंट इनका परसों बता रहे हैं, तो परसों ही आएंगे फिर। अब चलो तो गाइस, इस वाले फास्टैग का अब काम ख़त्म हो चुका है, ICICI बैंक का था ये, और ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है निकालने के चक्कर में, बिकॉज ये जो इसकी मेन चिप होती है ये ख़राब हो गई है, ये आधी अभी शीशे पे ही लगी हुई है, और अब नया फास्टैग अपने को लेना पड़ेगा। और मेरे मन में बहुत दिनों चल रहा था मैं ICICI का फास्टैग हटा के HDFC का ले लूँ, तो अभी हम बैठे हैं कस्टमर लाउंज में, काफ़ी सही है, अच्छी लग रही है, बिकॉज AC वगैरह अच्छा चलता भाई। और चलते हैं बाहर, मैंने यहीं पे बैठे बैठे भी फास्टैग वाला अपना जो प्रीवियस अकाउंट है ICICI का डीएक्टिवेट कर दिया उनकी वेबसाइट पे जाके, तो सारा काम हो गया है। कल मैं अपनी गाड़ी जो है आ जाएगी इन द सर्विस भी, और सर्विस भी करा लेते हैं, और उसके बाद जो है गाड़ी परसों डिलीवर ले लेंगे वापस। चलो भाई अब चला जाए वापस घर की ओर। काफ़ी सारी मारुति कार्स खड़ी हैं, दे ऑल आर रेडी, सबका क्लेम सेटल्ड हो चुका होगा यहाँ पे, जितने भी खड़ी हैं। अपने को भी अब घर ही चलना है, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। अच्छा हाँ भाई साहब, कितने गंदे गंदे एक्सीडेंट, बार बार इन्हीं की तरफ नज़र जाती है अपनी भी। चलो भाई, मोस्ट ऑफ द काम हो ही गया है, आज संडे था तो सोचा आज चक्कर ही मार लेते हैं भाई। तो भाई जाते जाते एक बार और आपको अर्टिगा दिखा देते हैं वाली, ये डिज़ायर तो भाई पहले भी खड़ी थी, अली बहुत भीषण डैमेज है। एयरबैग्स खुलते हैं, एयरबैग खुल जाते हैं मारुति के, ये भी देखो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। शिट बेब्स, व्हील कैप्स वगैरह सारा, मतलब मेरे हिसाब से भाई सब कुछ ही नीचे आ गया। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो भाई देख रहे हो पूरी इंजन बे हल्की हो गई है, रेडिएटर वगैरह मतलब कुछ बचा ही नहीं गाड़ी में। भाई बहुत कमज़ोर लोग आए गाड़ी का, अपनी देखो बैंडेज ही हो रही है। चलो भाई व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय। आपको परसों है सारा इन्फो बता देंगे कितने रुपए लगे हैं क्या हुआ है सीन। तो चलते हैं घर की ओर, टेक केयर, जय हिंद गुड बाय।